सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मज़ेदार पिक्चर इन पिक्चर प्रोजेक्ट। तो इसमें होता क्या है कि आपने YouTube पर देखा ही होगा, जो क्रोम का पिक्चर इन पिक्चर एक्सटेंशन है उसके थ्रू आप YouTube की कोई भी वीडियो वो शेयर कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन शेयर हो जाती है उसकी, और वो आप कोई भी अदर ऐप अपना VS Code खोल सकते हैं, लेकिन जो YouTube वीडियो है वो उसके ऊपर साइड में चलती रहती है। तो उसी तरह का पिक्चर इन पिक्चर का हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जैसे कि हम अपने PC की कोई भी स्क्रीन, कोई भी विंडो की स्क्रीन या फिर कोई भी क्रोम की स्क्रीन यहाँ पे साइड में चला पाएंगे। तो ज़्यादा बताने से अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूँ उसका डेमो कि ये वर्क कैसे करता है। तो मान लीजिए आप, ये आपका प्रोजेक्ट है और आप वर्क कर रहे हैं इस पर, और आप बार बार CSS चेंज कर रहे हैं। तो जब भी आप CSS पहले तो चेंज करते हैं, फिर चेंज करने के बाद आपको वापस क्रोम पे लाइव सर्वर पे आना पड़ा है देखने के लिए कि CSS कैसी लग रही है। तो आप कहेंगे कि आप उसे मिनिमाइज़ करके ऐसे दो स्क्रीन में डिवाइड करके भी CSS चेंज कर सकते हैं, पर ये इतना कन्वीनियंट नहीं है और हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन है। तो इस प्रोडक्ट का यूज़ करके आप पहले तो स्क्रीन चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी आपको शेयर करनी है। तो यहाँ मुझे क्रोम टैब की स्क्रीन शेयर करनी है जो कि मेरे लाइव सर्वर को शो कर रही है। तो यहाँ मैं क्रोम टैब में जाऊँगा और ये जोक टेलर जो स्क्रीन है इसे कर दूँगा मैं शेयर। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है। अब मैं वापस पिक्चर इन पिक्चर प्रोजेक्ट पर चलता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे। तो ये देखिए यहाँ पे साइड में वो जो मेरी लाइव सर्वर की स्क्रीन है वो आ गई है और मैं ये देखिए VS Code में आ गया हूँ। और अब मैं आराम से अपनी CSS चेंज कर सकता हूँ और वो स्क्रीन वहाँ से नहीं हटेगी। यहाँ पे जैसे ही मैं CSS चेंज करूँगा तो देखिए मुझे अपना रिजल्ट यहाँ पे इस स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं ऐसे कुछ भी CSS चेंज कर सकता हूँ और कोई भी चेंज करूँगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। तो यही है पिक्चर इन पिक्चर फंक्शनलिटी कि आप कोई भी एक स्क्रीन बाकी स्क्रीन्स के ऊपर लगा सकते हैं साइड में, मतलब वो ऐसा समझ लीजिए कि वो हमारे कंप्यूटर के एक कोने में जाके चिपक जाएगी और वहाँ से उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं चला सकते, वही सबसे ऊपर रहेगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं VS Code में और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं और उसे नेम दे देते हैं पिक्चर इन पिक्चर प्रोजेक्ट। अब इसे खोल लेंगे VS Code में, और VS Code में खोलने के बाद हमें यहाँ पे HTML, CSS और JavaScript फाइल क्रिएट करनी है। तो अब यहाँ पे हम डालते हैं बॉयलरप्लेट और टाइटल दे देंगे पिक्चर इन पिक्चर, और उसके बाद हम यहाँ पे CSS लिंक करेंगे और यहाँ पे बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लिंक कर लेते हैं JavaScript, और फिर ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा लाइव सर्वर आ गया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं HTML में और डालेंगे एक वीडियो टैग। तो उसके पहले मैं वीडियो यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने किया वीडियो कमेंट और यहाँ पे मैं डालूँगा वीडियो टैग। तो इस वीडियो टैग का हम सोर्स बाद में जावास्क्रिप्ट के थ्रू देंगे। अभी आईडी दे देते हैं वीडियो, और इसकी विथ कर देते हैं हम 480 करनी है बस, पिक्सल नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हाइट हम कर देंगे 360। अब इसे सेव करके देखते हैं तो अभी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल्स और लिख देते हैं जिससे उसके कंट्रोल्स दिखने लगेंगे वीडियो के, यानी पॉज, वॉल्यूम बटन और बाकी चीज़ें। और यहाँ पे अब हम इसे हिडन कर देते हैं अभी के लिए, जिससे कि हमारा वीडियो एलिमेंट हिडन हो जाए। और यहाँ पे अब हम एक बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक डिप बनाता हूँ और उसके अंदर बटन बनाऊँगा। तो डिप बना के मैं यहाँ बटन उसे क्लास दे दूँगा और उसके अंदर एक बटन बनाऊँगा जिसे मैं आईडी दूँगा BTN, और इस बटन के अंदर मैं लिख दूँगा स्टार्ट। तो ये देखिए बटन आ गया। अब इसे स्टाइल करते हैं। तो अभी तो हम ऐसे ही मिनिमाइज़ करके स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉडी में सबसे पहले कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, और इसकी मिनिमम हाइट कर देते हैं 100 व्यू हाइट, ताकि ये जो हमारा बटन है ये बिल्कुल मिडल में आ जाए। तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम बटन की पैडिंग कर देते हैं 15 पिक्सल। तो फॉन्ट साइज अब इसका कर देते हैं 30 पिक्सल, ठीक रहेगा आई थिंक। तो यहाँ फॉन्ट साइज मैं करूँगा 30 पिक्सल, नहीं 50 ठीक रहेगा, थोड़ा बड़ा करते हैं। और अब इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम 5 पिक्सल। ओके, तो अब इससे दे देते हैं हम बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर इसको क्या दें, पहले बॉडी को ऐसा करते हैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम कुछ। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम करेंगे ब्लैक। तो ब्लैक इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, थोड़ा सा इसे लाइट करते हैं। तो अब देखते हैं, तो ये तो थोड़ा ब्राउन टाइप का हो गया, थोड़ा और इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। वेल, आपको जो भी पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो थिंक ये ठीक रहेगा, तो सेव करके देखते हैं। हाँ, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। अब इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं नन कर देते हैं, नहीं नन से तो वाइट ही रहेगा। ये जो हमने बॉडी को दिया है यही बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद इसका बॉर्डर हम कर देते हैं 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे कलर, तो वो होगा वाइट।
अब यहाँ पे हम इस पर होवर में प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो जब भी कोई बटन पे होवर करे तो हम चाहेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ग्रीन बॉडी के कलर से। अब देखिए होवर करने पे ग्रीन हो रहा है, तो या फिर इसका रुकिए, ये जो बटन का कलर है हम ये कलर कर देते हैं ब्लैक, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं वाइट, और ये जो हमने ऊपर बैकग्राउंड कलर से दूसरा दिया था बटन को उसे हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है। अब इसे हम फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, तो कौन सी सही रहेगी, आई थिंक ये ठीक रहेगी। तो हाँ ठीक है, अब इसमें हम ज़रा फॉन्ट वेट बढ़ाते हैं, बोल्ड करते हैं, और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो कर देते हैं अपर केस, जिससे कैपिटल लेटर्स में हो जाए, और देखते हैं और कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या। हाँ, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। अब ये करने के बाद हम आते हैं यहीं पे और यहाँ पे कलर कर देते हैं वाइट हावर में। तो देखिए जब भी कोई इस पे हावर करेगा तो इसका कलर हो जाएगा वाइट और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रीन। तो देखिए काफ़ी सही लग रहा है ये, और आई थिंक हमारी स्टाइलिंग हो गई है कम्प्लीट। तो अब हम जावास्क्रिप्ट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जावास्क्रिप्ट में आके हमारा जो वीडियो एलिमेंट है और जो बटन है उसे उनकी आईडी की मदद से ग्रैब कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं वीडियो एलिमेंट, और उसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके अंदर हम लिख देंगे वीडियो की आईडी यानी कि वीडियो, और उसके बाद हम वेरिएबल बनाएंगे btn और उसमें हम अपना जो बटन है उसको ग्रैब कर लेंगे उसकी आईडी के थ्रू। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने आईडी सही तो डाली है ना। तो वीडियो टैग की है वीडियो और बटन टैग की है बटन, ठीक है ठीक डाली है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारी स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट ले आएगा, जिससे कि हम वीडियो स्ट्रीम जो भी हम इनपुट देना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फंक्शन बनाऊँगा, उसे नाम दूंगा वीडियो स्ट्रीम, और यहाँ पे हम असिंक लिख लेते हैं क्योंकि असिंक फंक्शन बनाएंगे इसे। अब इसके अंदर हम डालेंगे ट्राई और कैच स्टेटमेंट, तो यहाँ ट्राई लिख लेता हूँ मैं और यहाँ लिख देंगे हम कैच। अब ट्राई स्टेटमेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे स्क्रीन कैप्चर API का, तो गूगल पे चल के देखते हैं कि स्क्रीन कैप्चर API के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा स्क्रीन कैप्चर API, और ये पहली लिंक ही देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो अवेट पूरा दिया हुआ है सिंटैक्स, उससे मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब ये पैरामीटर हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है अभी। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जिससे मैं नेम देता हूँ स्ट्रीम दे देते हैं, और स्ट्रीम वेरिएबल के अंदर मैं ये पूरा सिंटैक्स लिख देता हूँ। अब हम जो वीडियो एलिमेंट है हमारा, उसके अंदर हम उसके सोर्स ऑब्जेक्ट में ये जो हमारा स्ट्रीम वेरिएबल है ये डाल देंगे, ताकि ये जो भी हमें स्क्रीन कैप्चर API कैप्चर कर रही है वो इसके अंदर इनपुट चला जाए। अब यहाँ पे हम वीडियो एलिमेंट में ऑन लोड मेटा डेटा जो इवेंट है वो लगाएंगे, और यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करके लिख देंगे वीडियो एलिमेंट डॉट प्ले। तो जब भी ऑन लोड मेटा डेटा का मतलब है जब भी पूरा जो डेटा है वो आ जाएगा वीडियो एलिमेंट में, इनपुट चला जाएगा, तब उसके बाद ये जो फंक्शन है वो रन हो जाए, यानी कि वीडियो एलिमेंट प्ले हो जाए। और यहाँ पे हम कैच में यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में एरर, और इसके अंदर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर। अब इसके बाद ये जो हमारा बटन है तो इसमें हम लगाएंगे एड इवेंट लिसनर, तो यहाँ हम कर देते हैं btn डॉट एड इवेंट लिसनर, इसका इवेंट हम कर देंगे क्लिक, और यहाँ पे एक असिंक फंक्शन बनाएंगे हम फैट एरो फंक्शन का यूज़ करके, और उसके अंदर सबसे पहले तो हम ये जो हमारा बटन है इसे डिसेबल कर देंगे। तो बटन डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू कर देते हैं ट्रू। अब ये करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट और पिक्चर इन पिक्चर API का यूज़ करेंगे। तो गूगल पे चलते हैं और देखते हैं कि हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा पिक्चर इन पिक्चर API, और यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके, तो यहाँ पे देखिए हमें मेथड दिख रहा है जिसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेथड को मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ अवेट के आगे लिख दूँगा, और यहाँ पे ये HTML वीडियो एलिमेंट की जगह लिख दूँगा वीडियो एलिमेंट, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम है वीडियो एलिमेंट। अब यहाँ पे बटन को वापस से डिसेबल से हटा देते हैं यानी फॉल्स कर देते हैं, और यहाँ पे मैं रन कर दूँगा हमारा जो वीडियो स्ट्रीम फंक्शन है उसे। तो यहाँ मैं लिखूँगा वीडियो स्ट्रीम और इसे रन कर देंगे। अब सेव करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। हमें स्क्रीन चूज़ करने के लिए कह रहा है, तो मैं ये स्क्रीन चूज़ कर लेता हूँ। अब करूँगा शेयर और स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा एक स्क्रीन आ गया है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने देखिए VS Code खोल लिया है, तब भी ये मुझे यहीं पे टॉप पे दिख रहा है। और ये मैं करंट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई और स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो मैं क्रोम का ये वाला टैब शेयर करता हूँ, तो ये देखिए ये अब यहाँ पे आ गया। अब मैं आराम से VS Code में ये ऊपर स्क्रीन में आ ही रहा है। तो जो भी मुझे इसमें से हेल्प लेनी है या देखना है
मैं सीधे इस वेबसाइट से यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देख सकते हैं आप कितना हेल्पफुल है ये जो प्रोजेक्ट है हमारा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।